हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप कुमार पात्रा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको वाराणसी के घूमने के जगहों के बारे में बताऊंगा। आप वाराणसी कैसे पहुंच सकते हैं ये भी बताऊंगा। वाराणसी, बनारस, काशी उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख तीर्थस्थल है। वाराणसी अपने मंदिरों और घाटों के कारण यहाँ आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है। लोग यहाँ शुद्धिकरण करने भी आते हैं। गंगा नदी के किनारे पे बसा ये शहर संस्कृति, पौराणिक कथाओं, साहित्य और कला का प्रमुख स्थल है। अभी मैं बताता हूँ वाराणसी और काशी के घूमने के जगहों के बारे में। नंबर वन इज अस्सी घाट। अस्सी घाट एक पवित्र जगह है। अस्सी घाट में अस्सी और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। अगर आप वाराणसी के यात्रा के मन बना रहे हैं तो आपको अस्सी घाट जरूर जाना चाहिए। अस्सी घाट की आरती का आकर्षक नज़ारा वाराणसी शहर में आने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों को बहुत आकर्षित करता है। नंबर दो घूमने की जगह है दशाश्वमेध घाट। वाराणसी में गंगा नदी तट पर दशाश्वमेध घाट एक बहुत ही खास स्थान है, जो अपनी आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने यहाँ दशाश्वमेध यज्ञ किया था। हर दिन शाम को इस घाट पर आयोजित गंगा आरती सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसे देखने बहुत मात्रा में पर्यटक आते हैं और आरती में शामिल होते हैं। गंगा जी के इस आरती को देखने अपने आप में एक बहुत खास अनुभव है, जिसे मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता। नंबर तीन घूमने की जगह है तुलसी मानस मंदिर। तुलसी मानस मंदिर वाराणसी का प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1964 में किया गया था। पुराणों के माने तो यहाँ संत तुलसीदास जी ने हमारे महान काव्य रामायण लिखा था। यहाँ पर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति देखने के बाद आप भक्ति में डूब जाएंगे। नंबर चार घूमने की जगह है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर काशी तथा वाराणसी का प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। वाराणसी शहर का सबसे खास मंदिरों में से एक होने के वजह से इस मंदिर में रोजाना हजारों भक्त इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर पाँच घूमने की जगह है दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर वाराणसी शहर में स्थित प्रमुख दुर्गा मंदिरों में से एक है, जो कि देवी दुर्गा को समर्पित है। इस मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि मंदिर में स्थित देवी दुर्गा की मूर्ति का निर्माण नहीं किया गया था, ये मूर्ति देवी के अपने आप प्रकट हुई थी। देवी दुर्गा के मुख के तेज अद्भुत है। ये मंदिर नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ये मंदिर नागरा पद्धति से बनाया गया है। नंबर छह घूमने का जगह है मणिकर्णिका घाट। वाराणसी में स्थित मणिकर्णिका घाट एक अंतिम संस्कार के लिए शुभ स्थान माना जाता है। मणिकर्णिका घाट को मनुष्य जीवन का प्रवेश द्वार के रूप में मानते हैं लोग यहाँ। नंबर सात घूमने की जगह है चुनार किला। चुनार किला उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर के चुनार शहर में स्थित है। ये किला वाराणसी शहर से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये किला गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। एक समय में हिंदू शक्ति का केंद्र था ये। इस किले में आदि विक्रमादित्य का बनवाया गया भर्तृहरि मंदिर स्थापित है। ये किले में मुगलों के कुछ मकबरे भी हैं। नंबर आठ घूमने की जगह है सारनाथ मंदिर। सारनाथ मंदिर वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो भगवान बुद्ध को समर्पित है। सारनाथ मंदिर एक ऐतिहासिक विरासत है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना पहला उपदेश यहाँ दिया था। यहाँ पर स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति देखने के बाद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और भक्ति में खो जाएंगे। नंबर नौ घूमने की जगह है गढ़वालिया मार्केट। गढ़वालिया मार्केट वाराणसी शहर का प्रमुख शॉपिंग केंद्र है। ये बहुत व्यस्त बाजार है वाराणसी का। यहाँ पर आप घूमते हुए थक जाएंगे। आपको यहाँ कपड़ों से लेकर सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री मिल जाती है। नंबर 10 घूमने की जगह है संकट मोचन मंदिर। संकट मोचन मंदिर वाराणसी शहर का प्रमुख मंदिरों में से एक है। ये भगवान हनुमान को समर्पित है। ये मंदिर के चमत्कारी शक्तियों का अनुभव किया है भक्तों ने और ऐसी मान्यता है यहाँ की। ये मंदिर में भगवान हनुमान जी के दर्शन मात्र से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे चमत्कार है इस मंदिर की।
संत तुलसीदास जी ने इस मंदिर की स्थापना की थी। इस मंदिर का निर्माण पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने वर्ष 1900 में बनवाया था। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप वाराणसी कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप वाराणसी बाई फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना होगा, जो कि वाराणसी शहर से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाबटपुर में है। अगर आप बाई ट्रेन से वाराणसी पहुंचना चाहते हैं तो वाराणसी में रेलवे का जंक्शन है, वहां से आप वाराणसी बाई ऑटो या टैक्सी से पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई बस से वाराणसी पहुंचना चाहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश राज्य के बसों से या प्राइवेट बस से वाराणसी पहुँच सकते हैं। अगर आप तरह तरह के जायकेदार खाना पसंद करते हैं तो वाराणसी शहर आपके लिए सही जगह है। जैसे यहाँ की कचौरी भाजी, छेना दही वड़ा, बाटी चोखा, चूड़ा मटर, दही चटनी, गोलगप्पे और टमाटर चाट और बनारसी ठंडाई, लस्सी और अंत में बनारसी पान का लुत्फ़ आप जरूर उठाएगा। आप लोग जब भी वाराणसी जाएं ये सभी का मजा लीजिए। भगवान काशी विश्वनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करे, ये कामना है मेरी। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे आपको नए नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।